स्वागत है आप लोगों ने प्यार से यूट्यूब चैनल का नाम शेयर मार्केट जोन। जी हाँ दोस्तों, फिर से आप लोगों ने प्यार से यूट्यूब चैनल में लर्निंग और अर्निंग के साथ फिर से नए वीडियो में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग कुछ टॉप लूजर्स, आज के टॉप लूजर्स, जी हाँ दोस्तों, आज के टॉप लूजर्स के बारे में बात करेंगे। जो कि कुछ स्टॉक है जो आप लोग टॉप लूजर है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले। जैसे कि देख सकते हैं टेक महिंद्रा आज लगभग 3% के आसपास गिरावट शो कर रहा है। इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे गिरावट क्यों और किस कारण से गिरावट है। जी हाँ दोस्तों, तो टेक महिंद्रा में देख सकते हैं कि अभी ऑटो सेक्टर में तेज़ी के बाद थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन रैली इसके बाद आने के बाद इस थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा मोमेंटम में थोड़ा सा कंसोलिडेशन में चल गया। जी हाँ दोस्तों, इस कारण से देख सकते हैं हम लोग चार्ट पर देख रहे हैं कि नीचे का सपोर्ट 939। जी हाँ दोस्तों, 939 का सपोर्ट हम लोग को नीचे में मिल रहा है और ऊपर का यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 1122 के आसपास। तो हम लोग को मार्केट में इस रेंज में भी चल रहा है, मार्केट कंसोलिडेशन में है। जी हाँ दोस्तों, इस रेंज में कंसोलिडेशन में है। तो मार्केट जब तक इस रेंज को निकालता नहीं है मार्केट, और उसके बाद आप लोग को टारगेट 1200 के आसपास यहाँ पर नहीं मिलेगा और यहाँ पर आप लोग को सस्टेन होता दिखेगा, तभी मार्केट में आप लोग को इसमें टेक महिंद्रा में तेज़ी मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, टेक महिंद्रा को तेज़ी होने के लिए आप लोग को 200 EMA सपोर्ट और 1200 के आसपास से ऊपर जाना पड़ेगा, तभी यहाँ पर आप लोग को तेज़ी का संकेत मिलेगा। तो अभी टेक महिंद्रा में कंसोलिडेशन का फेस है, अगर हैं तो आप लोग बने रहिए, कोई अच्छी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा स्टॉक है, बेहतरीन स्टॉक है, थोड़ा सा आप लोग को यहाँ पर कंसोलिडेशन फेस करना पड़ रहा है। तो आप लोग थोड़ा सा वेट कर सकते हैं इस स्टॉक में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी नीचे रहे तो आप लोग थोड़ा सा बाई करने का सोच सकते हैं, अगर नीचे में मिलता है तो। मार्केट में देख सकते हैं कि काफ़ी ऊपर से गिरावट शो कर चुका है, तो आप लोग को अगर बाई फ्रेश करना चाहते हैं तो आप लोग 22 में फ्रेश करिएगा 950 की। जी हाँ दोस्तों, 950 के ऊपर अगर फिर से अगर मार्केट सस्टेन करता है तो आप लोग बाई कर सकते हैं, अगर मार्केट इसको तोड़ता है। जी हाँ दोस्तों, अगर 950 को अगर मार्केट तोड़ता है तो हम लोग को नेक्स्ट सपोर्ट मिलेगा जाकर, नेक्स्ट सपोर्ट हम लोग को मिलने वाला है 880 के पास। तो आप लोग इस रेंज में आप लोग समझ सकते हैं कि चलना है। तो देख सकते हैं 200 EMA सपोर्ट के ऊपर मार्केट इसमें हमें काम किया और उसके बाद 200 EMA सपोर्ट तोड़ा, तो देख सकते हैं काफ़ी गिरावट शो किया। तो इसमें कंसोलिडेशन चल रहा है मार्केट में, अगर इस रेंज को ऊपर अगर सस्टेन करता तो मार्केट में फिर से ऊपर का रैली आएगा, लेकिन अभी टेक महिंद्रा में थोड़ा सा कंसोलिडेशन का फेस है, इसलिए वेट करके चलिए। जी हाँ दोस्तों, तो उसके बाद हम लोग बात करेंगे टेक महिंद्रा के बाद हम लोग देखेंगे हिंडाल्को। जी हाँ दोस्तों, हिंडाल्को आज भी लगभग 2.5 से 3% का गिरावट शो किया। जी हाँ दोस्तों, मेटल में कोई भी डॉलर इंडेक्स अगर ऊपर आता है तो मार्केट इसमें मेटल सेक्टर ऊपर चल जाता है, नीचे आता तो नीचे चल जाता है, ऊपर जाता है नीचे आ जाता है, इसका अपोजिट हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, डॉलर इंडेक्स अगर ऊपर जा रहा तो मेटल नीचे आ जाएगा, डॉलर इंडेक्स नीचे आ रहा तो मेटल ऊपर जाएगा, तो इस तरह से होते रहता है इसमें मेटल्स में। तो हम लोग समझेंगे हिंडाल्को इसके पहले कल होकर देख सकते हैं कि टॉप गेनर था, स्टॉप लूजर में आ जाएगा मेटल सेक्टर में, क्योंकि इसमें ज़्यादा इसमें ही वोलेटिलिटी होती है। तो देख सकते हैं मार्केट नीचे से अच्छा खासा हम लोग को हिंडाल्को में बाइंग आई है। तो हम लोग देख सकते हैं कि कुछ पैटर्न बना, हम लोग को देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग को एक पैटर्न फेस करके ब्रेकआउट हुआ था। जी हाँ दोस्तों, ब्रेकआउट हुआ था, लेकिन अभी थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश कर रहा, तो ब्रेकआउट फेल हुआ है यहाँ पर। अगर मार्केट में इसमें चलना है तो जी हाँ दोस्तों, मार्केट को इसको चलना है तो इसको भी इस रेंज, जी हाँ दोस्तों, इस रेंज और 200 EMA सपोर्ट भी है, तो 450-60 के ऊपर मार्केट अगर जब तक हिंडाल्को सस्टेन नहीं करता, तेज़ी नहीं बनने वाली हिंडाल्को में मेटल सेक्टर में, तो अभी मेटल सेक्टर थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन से रहेगा, लेकिन नीचे भी नहीं गिरने वाला, ऊपर भी ज़्यादा नहीं जाने वाला, तो बीच फेस में रहेगा। आप लोग को इसी तरह से वर्क करना होगा जब तक मार्केट इस रेंज को नहीं निकालता। जी हाँ दोस्तों, मार्केट जब तक इस रेंज को नहीं निकालता है, इस रेंज में मार्केट अगर जब तक नहीं निकालता हिंडाल्को को, तेज़ी की कोई गुंजाइश नहीं है। जी हाँ दोस्तों, तो आप लोग बने रहिए हिंडाल्को में भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, स्टॉक चलेगा मेटल का, मेटल चलेगा रैली करेगा तो आप लोग को हाई भी मिलेगा, 700-800 टारगेट मिल जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं कि तेज़ी बनता है। जी हाँ दोस्तों, तेज़ी बनता है तो एक तरफा तेज़ी बनता है, फिर उसके बाद गिरता है, तो फिर गिरा ही रहता है, कंसोलिडेशन में रहता है। जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट गिरा हुआ, उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेस किया, उसके बाद देख सकते हैं नॉन स्टॉप रैली देने के बाद थोड़ा बहुत तो गिरावट, आप लोग कंसोलिडेशन फेस करना समझ ही सकते हैं। इसी तरह से आप लोगों का स्टॉक चलता है। जी हाँ दोस्तों, डे फ्रेम में हम लोग देख रहे हैं, वीकली चार्ट पे अगर आप लोग देखना चाहते तो आप लोग को वीकली चार्ट पर भी यहाँ पर ओपन होता हुआ दिख जाएगा। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर कैंसिल कर लेते हैं, देख सकते हैं कि काफ़ी तेज़ी के बाद, जी हाँ दोस्तों, काफ़ी तेज़ी के बाद थोड़ा सा मोमेंटम आया है, अभी थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेस में है, तो चलेगा मोमेंटम में चलेगा, ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, स्टॉक बेहतरीन है, बस बने रहना आप लोग को। टेक महिंद्रा, हिंडाल्को या सर कोलपाल। जी हाँ दोस्तों, कोलपाल एक स्टॉक है जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, पर ये धीरे धीरे स्लो मोमेंटम। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग को ज़्यादा पैसा है तो इसमें पैसा डाल सकते हो, धीरे धीरे ये स्टॉक ऊपर ही जाते रहता है, धीरे धीरे चलता है, बहुत ही स्लो स्टॉक है। आप लोग सोचिएगा 10 दिन में
20 दिन एक महीना में अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है। इसमें नहीं मिलेगा, हल्का हल्का स्टॉक चलता है धीरे धीरे, स्लो मोशन में कछुआ की चाल चलता है, लेकिन ऊपर ही जाता है। जी हाँ दोस्तों, उसको टाइम फ्रेम में आप लोग देख सकते हैं, हम लोग यहाँ पर वीकली चार्ट पे ओपन किए देख सकते हैं कि मार्केट में हमेशा ही ऊपर नीचे धीरे धीरे करते ऊपर ही जाता है। तो अभी हम लोग को समझना है कि अगर शॉर्ट टर्म में आप लोग लिए हुए तो क्या करना है। जी हाँ दोस्तों, अगर शॉर्ट टर्म में लिए हैं तो क्या करना है, तो जैसा कि देख सकते हैं हम लोग को 200 EMA सपोर्ट के ऊपर है, तो ये बेहतरीन बात है कि अच्छा बात है कि हम लोग को 200 EMA सपोर्ट के ऊपर है। तो हम लोग को तेज़ी करने के लिए जी हाँ तो 1700 के ऊपर चलना होगा। अगर हम लोग को नीचे आ रहा है तो मार्केट हम लोग को 1400 के आसपास भी मिल जाए तो हम लोग को बाइंग करने का मौका मिलेगा। और अभी इसमें कुछ नहीं कर सकते, इसमें आप लोग 1700 का इंतज़ार कीजिए। जब तक 1700 नहीं टूटेगा, देख सकते लेवल इसमें 1700 का कितना मोटा रेजिस्टेंस है, तो इस तरह का लेवल रेजिस्टेंस निकाला जाता है। तो इस तरह का सपोर्ट है, इसी रेंज में अभी है कोलपाल, तो इस रेंज के ऊपर निकलता है तो आप लोग को बड़ा टारगेट मिल सकता है। और इसके नीचे आता है तो और गिरावट शो कर सकता है। तो बस बने रहिए कोलपाल में भी, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म जो भी, आप लॉन्ग टर्म के लिए बने रह सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। शॉर्ट टर्म में बस थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन है तो चल सकता है। मार्केट अगर ऊपर जाता है तो इसको भी खींचेगा। जी हाँ दोस्तों, मार्केट अगर ऊपर जाता है तो खींचने की कोशिश करेगा कोलपाल का। NTPC जी हाँ दोस्तों, NTPC स्टॉक देखेंगे हम लोग को किस तरह से कारोबार कर रहा है, किस तरह से रेंज का में हम देख सकते हैं कि ये भी 200 EMA सपोर्ट के ऊपर है, कितना बेहतरीन स्टॉक है। हम इसका चार्ट पैटर्न देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं काफ़ी अच्छा बाइंग है इसमें NTPC में, लेकिन आज के दिन में हम लोग को गिरावट शो किया है, तो इसमें कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है। आप लोग को इस रेंज में सपोर्ट मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, इस रेंज में सपोर्ट मिल सकता है, इस रेंज में सपोर्ट मिलता है तो इस रेंज में अगर आता है तो बाई करके चल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पावर में भी अभी पावर स्टॉक में वैसे भी तेज़ी है, तो NTPC में भी अभी तेज़ी बन ही रहेगी। तो आप लोग यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा वेट करके मार्केट में नीचे गिरता तो उठा सकते हैं, अगर आप लोग के पास है तो बने रह सकते हैं। टारगेट लगभग 198 के आसपास इसमें आ सकता है। वीकली चार्ट पे अगर हम उसको देखते हैं तो कहाँ पर आप लोग को, जी हाँ दोस्तों, जैसा कि देख सकते हैं आप लोग को 195 से लेकर 198 के रेंज में आप लोग को टारगेट मिल सकता है। NTPC में है तो बने रहिए, बहुत ही अच्छा अभी लय में चल रहा है, बहुत ही अच्छा रफ्तार में, बहुत ही अच्छा ट्रेंडिंग मोमेंटम में है। देख सकते हैं कितना बेहतरीन ट्रेंडिंग मोमेंटम में है। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होते रहता है, उसे डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्टॉक को लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते हैं आप लोग, लॉन्ग टर्म के भी ले सकते हैं। अगर शॉर्ट टर्म के लिए लिए हैं तो 195 से लेकर 198 के रेंज में आप लोग इसको सेल करके चल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बेहतरीन स्टॉक है NTPC पावर में। आप लोग जैसे जान सकते हैं 4 से 5 साल में आने वाले समय में ये बेहतरीन स्टॉक होने वाला है और आगे भी रहेगा। टाटा पावर जी हाँ दोस्तों, टाटा पावर भी, अडानी ग्रीन, जी हाँ दोस्तों, अडानी ग्रीन स्टॉक के बारे में बात करेंगे हम लोग। देख सकते हैं वीकली चार्ट पे ओपन है अभी, हम लोग डे फ्रेम पे देख लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, डे फ्रेम पे हम लोग स्टॉक को ओपन कर लेते, उसके बाद देख सकते हैं कि काफ़ी 3000 के आसपास से जाके अडानी हम लोग को कंसोलिडेशन फेस में चल रहा है। 200 EMA सपोर्ट के नीचे आज आ चुका है, दे सकते हैं 200 EMA सपोर्ट के नीचे आ सकता है, क्लोजिंग भी इसके नीचे देने की उम्मीद है। तो हम लोग को समझ रहे हैं कि इस स्टॉक को, जी हाँ दोस्तों, इस स्टॉक में इस रेंज में चल रहा है, तो इसका रेंज में अगर ब्रेकआउट ऊपर या नीचे होता है तो हम लोग को टारगेट क्या मिलेगा। देख सकते हैं कि टारगेट अगर वो जानना चाहते हैं तो टारगेट के लिए हम लोग देख सकते हैं पहला टारगेट 1715। जी हाँ दोस्तों, पहला टारगेट 1715 निकल के आ रहा है नीचे में। सेकेंड है 1242। जी हाँ दोस्तों, हम लोग वन डे के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं तो हम लोग लंबा टारगेट मिलेगा नीचे। अगर टूटता है मार्केट इस रेंज को, अगर देख सकते हैं इस रेंज को अगर तोड़ता है मार्केट, तो पहला टारगेट हम लोग को 1715 फिर 1242। अगर मार्केट इस रेंज को तोड़ता है, 2478 को अगर तोड़ता है मार्केट, तो हम लोग को अगला रेंज निकल के आएगा। जी हाँ दोस्तों, अगला रेंज निकल के आता है हम लोग को 3000 के आसपास। जी हाँ दोस्तों, लगभग बात करें तो 3000 के आसपास। जी हाँ दोस्तों, 3000 3100 के आसपास का रेंज निकलता है अगर ऊपर में मार्केट तोड़ता है। तो अभी देख सकते हैं कि इस रेंज में चल रहा है, तो हम लोग समझ सकते हैं कि इस रेंज को तोड़ता है तो, जी हाँ दोस्तों, इस रेंज को तोड़ता है तो हम लोग पहला टारगेट ये मिलेगा, दूसरा टारगेट ये मिलेगा। तो आप लोग को इस रेंज को देखना है। जी हाँ दोस्तों, इस रेंज किस तरह से क्रॉस करता है, नीचे क्रॉस करता है या ऊपर क्रॉस करता है। अगर ऊपर क्रॉस करता है तो इस रेंज में हम लोग को मार्केट आता दिखेगा, इस रेंज में थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेस करने मिलेगा। तो इसी तरह से मार्केट चलता है, इसी तरह से आप लोग बाई सेल कर सकते हैं। इन्फोसिस, जी हाँ दोस्तों, इन्फोसिस बेहतरीन स्टॉक, इसमें कोई डरने वाली घबराने वाली बात नहीं है, बेहतरीन स्टॉक इसमें आप लोग होल्ड करिए। मार्केट में बहुत ही अच्छी आप लोग को बाइंग मिली है, नीचे से देख सकते हैं कितनी अच्छी बेहतरीन बाइंग मिली है। और डे फ्रेम पे देख सकते हैं यहाँ पर क्रॉस ओवर भी हुआ है मार्केट का,
तो इसलिए मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया तो थोड़ा सा नीचे यहाँ पर आया, तो मार्केट में डरने घबराने वाली बात नहीं है आप लोग को। 1400 जी हाँ दोस्तों, अगर 1400 के आसपास अभी कभी भी देखता है 1400 के आसपास तो हम लोग उठाइए माल। इसमें DIS FIS जैसे प्रोमोटर भी माल उठाए नीचे से, तो इसलिए इसमें तेज़ी बनी हुई थी। तो थोड़ी बहुत नीचे ऊपर देख सकते, आज भी नीचे से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है मार्केट, तो बेहतरीन सपोर्ट है इसमें, बेहतरीन सपोर्ट देख सकते हैं आप लोग 1370-1380 के पास बेहतरीन सपोर्ट है। सपोर्ट से आसपास से घुमा है मार्केट। इसमें आप लोगों को जब भी बोल रहे हैं कि आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन, जी हाँ दोस्तों टेलीग्राम चैनल पे अपडेट मिल गया था आप लोगों को इन्फोसिस बाय करके चलना, और हम लोग इन्फोसिस को पहले ही बोल दिया था कि इस रेंज में जब क्रॉस ओवर हुआ था मार्केट को बाय करके चलो इन्फोसिस, और इन्फोसिस देख सकते हैं कि आज हम लोग को 1550 का टारगेट रखे थे, 1550 का देख सकते हैं उसके ऊपर भी मार्केट गया, 1570-75 के आसपास गया, तो हम लोगों ने प्रॉफिट बुक किया। उसके बाद फिर मार्केट नीचे आया इन्फोसिस का, तो हम लोग बस वेट कर रहे हैं मार्केट को थोड़ा सा और, जी हाँ दोस्तों 1500 के आसपास मिल जाए तो फिर से हम लोग बाय करके चलेंगे। तो आप लोग टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, जी हाँ तो आप लोग टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं हो रहे, टेलीग्राम में ज्वाइन होइएगा तो आप लोग को प्रॉफिट होगा, आप लोग को अपडेट मिलता रहेगा कि आप लोग को प्रमोटर DIS FIS जैसे सारा चीज़ आप लोग को सिर्फ कुछ करना नहीं है, टेलीग्राम में जुड़ना है, आप लोग को बताता जाए मिलता जाएगा अपडेट कि कौन सा स्टॉक बाय करना, कौन सा स्टॉक सेल करना, कौन से स्टॉक में मोमेंटम आया, कौन सा स्टॉक में बाय सेल आया, तो आप लोग स्टॉक में फालतू स्टॉक में फंसिए गए। जी हाँ दोस्तों, तो इसमें इन्फोसिस जैसे स्टॉक में आप लोगों को फंसना नहीं है, अगर आप लोग लिए हुए हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इन्फोसिस में लेके बने रहिए आप लोग हमेशा, सपोर्ट के बीच नीचे आप लोग बाय करते चलिए। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बाय करना नहीं पता आप लोग को बाय कहाँ कहाँ करना, जी हाँ दोस्तों बाय करते रहिए, आप लोग को टारगेट 2000 से 3000 का मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, इन्फोसिस लॉन्ग टर्म में बेहतरीन स्टॉक है, इसमें तो डरने घबराने वाली बात ही नहीं है, लेकर होल्ड करना है। तो हम लोग शॉर्ट टर्म के लिए खिलाते रहते हैं टेलीग्राम चैनल पे, तो जैसा कि हम लोग को मार्केट गिर रहा था तो उसके बाद हम लोग को मिला मोमेंटम कि हम लोग तो 1550 का टारगेट रखे हैं, उसके बाद बुक के प्रॉफिट, तो मार्केट नीचे आया है, तो नीचे आया तो फिर कोई घबराने वाला है, फिर मार्केट को उठाना है। तो हम बाकी अपडेट आप लोग को मिलते रहता है टेलीग्राम पर, टेलीग्राम जल्दी से ज्वाइन हो जाइए, आप लोग जाकर देख सकते हो वहाँ पर क्या क्या मिलता है। तो आप लोग टेलीग्राम पर बने रहिएगा तो आप लोग प्रॉफिट होगा। उसके बाद हम लोग पावर ग्रिड में बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि देख सकते हैं वन डे का टाइम इसमें भी ओपन है और कुछ लेवल्स मिल रहा है हम लोग को 239। जी हाँ दोस्तों, 239 बेहतरीन इंपॉर्टेंट और रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, देख सकते पहला दूसरा सपोर्ट और उसके बाद लगभग तीसरे के आसपास ही जाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर इसको 239 को सपोर्ट को तोड़ता है मार्केट तो हम लोग को पावर ग्रिड में अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है और हम लोग को लेवल मिलेगा, आगे का लेवल हम लोग को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आगे का लेवल अगर मिलेगा तो हम लोग देख सकते हैं 280 से 300 के आसपास हम लोग का लेवल मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, 300 के आसपास अगर लेवल चाहिए तो आप लोग को मोमेंट पावर ग्रिड में बने रहना होगा। जी हाँ दोस्तों, तो नीचे में बाइंग करना होगा, नीचे में बाइंग करने के लिए हम लोग को चाहिए तो कहाँ पे बाइंग मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे 183 से 185 के पास एक बाइंग रेंज मिल रही है और यहाँ पर सपोर्ट भी है, जैसे देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया, मार्केट यहाँ आसपास लेकर हैमर फिर मोमेंटम गया, फिर देख सकते हैं मार्केट यहाँ आने की कोशिश किया फिर भाग गया। तो आप लोग इस रेंज में मिलता है तो हम लोग उठा सकते हैं पावर ग्रिड को, अगर ऊपर में लिए हुए हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बने रहिए आप लोग को मिलेगा टारगेट। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आप लोग को, वहाँ पर ब्रेकआउट स्टॉक आप लोग को मिलता रहता है, कैंडलस्टिक पैटर्न अगर आप लोग चाहिए तो, आप लोग पैटर्न का PDF चाहिए तो वहाँ पर भी आप लोग को दिया हुआ है, आप लोग को मिल जाएगा। कैंडलस्टिक पैटर्न चाहिए या आप लोग को चार्ट पैटर्न चाहिए, कोई भी किसी तरह का हो लो तो आप लोग वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर सभी चीज़ मिलेगी और आप लोग को वहाँ पर DM भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक वहाँ पर भी मिला हुआ, तो आप लोग कोई भी परेशानी हो, कोई भी स्टॉक में फंसे हुए हैं तो आप लोग को पता मिलता रहेगा कि आप लोग क्या कर सकते हैं जिससे आप लोग आइडिया लगा सकें। तो आप लोग को पूरा डिटेल्स में किस तरह से स्टॉक में बाई करना, क्यों स्टॉक में बाई करना, क्यों इसमें बाइंग आई है, जी हाँ दोस्तों, पूरा डिटेल में आप लोग को बताया जाएगा। आप लोग खाली DM कीजिए, पूछिए, आप लोग को सारा चीज़ पता चले। वैसे हम लोग स्टॉक देते रहते हैं फुल कंफर्मेशन के साथ, अगर ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट स्टॉक पकड़ते हैं, आप लोगों को कन्फर्म मिलता है तो हम लोग कन्फर्म स्टॉक पकड़ते हैं कि हाँ इससे आगे जाने वाला है, तो हम लोग पैसे ऐसे स्टॉक पकड़ते रहते हैं। अभी भी हम लोग मार्केट में 20-25% रिटर्न लेके निकलते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाइए, आप लोगों को अपडेट मिलता रहेगा। बाकी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा तो भी लोगों को मोटिवेशन आएगा, तो वीडियो डेली डालते रहेंगे, अपडेट मिलता रहेगा। तो बाकी अभी टेलीग्राम पर सारा अपडेट मिलता रहता है, प्रॉफिट लेते रहिए आप लोग, बने रहिए शेयर मार्केट में, बने रहिए टेलीग्राम चैनल में, बने रहिए आप लोग स्टॉक्स में। जी हाँ दोस्तों, तो बने रहिए चैनल में, तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।